मेरी आवाज आ रही है जी आपको? अब हाँ, तो पिछले कुछ ऐसी जब बड़ी घटनाएं हुई हैं तो विपक्ष का बहुत फोकस्ड अप्रोच नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी कि विपक्ष में कांग्रेस तो बोलती है, मान लीजिए अभी जेडीयू बोल रहा है बिहार से, लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टियां कोई बाद में बोलता है, कोई धीमे बोलता है, कोई सिर्फ ट्वीट में बोलता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई बाइट दे देता है। तो विपक्ष का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं दिखाई देता है, और जब तक वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं दिखाई देगा कि ठीक है आप ममता बनर्जी के साथ मिलके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बंगाल में, आप आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पंजाब में आप विपक्षी पार्टी हैं उसके, लेकिन इस मुद्दे पर एक साथ खड़े होने में क्या दिक्कत है? और केवल इसी मुद्दे पर नहीं, आपको एक और मिसाल दें, कौन सी पार्टी विपक्ष की बची है जिसके नेता को सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स ने घेरा ना हो? चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कोई नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी, उनके मंत्री जेल में। लेकिन कभी एक बार भी आपने देखा कि विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर एक साथ कोई आवाज उठाई हो? या मान लीजिए कि यही कहा हो कि जी कि अगर शरद पवार के साथ हुआ है तो दूसरी पार्टियां बयान दें। आज अगर राहुल गांधी को नेशनल रेड के केस में बुलाया जा रहा है तो दूसरी पार्टियां बयान दें, बयान भी नहीं देते हैं। तो जब आप अलग अलग लड़ेंगे तो काम आसान है सरकार के लिए भी। तो विपक्ष को पुरानी गलतियों से नसीहत लेकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना चाहिए। सिर्फ एक पार्टी के बोलने से नहीं होगा, दक्षिण की पार्टियों से भी, और जो इसमें बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि वो समन्वय करे, वो कोऑर्डिनेट करे बाकी पार्टियों से कि भाई आप एक मंच पर आओ, ये काम दूसरी और पार्टियां नहीं करेंगी। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इसको पॉलिटिकल मूवमेंट करें ताकि वायलेंस कम हो, छात्र नेता इसमें आए, छात्रों का आंदोलन हो और विपक्ष का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। फ्लोर में आप मॉनसून सेशन में करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, अभी की जरूरत है कि विपक्ष इसमें एक साथ खड़ा हो। जब विपक्ष एक साथ खड़ा होगा, सरकार कल इसमें बात करने को राजी हो जाएगी। है कि क्या विपक्ष